आईलैश एक्सटेंशन का फैशन भी काफ़ी इन है और आपकी अपनी आईलैश के साथ ही एक्सटेंशन जुड़ती है। सो जब सबा ने मुझे महविश का बताया, मैं महविश के पास गई। अब महविश पूरा प्रोसीजर बताएंगी कि आईलैश एक्सटेंशन जो है इससे क्या फ़ायदा होता है, आपकी आंख में क्या चेंज आता है। आप मतलब मुंह धोया आपने, सो के उठे हैं, लोग लाइनर लगवाते हैं, मैं कहती हूँ लाइनर से बेहतर है लैश लगवाएं, क्योंकि लाइनर एक काली काली चीज़ आ जाती है। लैश की वजह से एक लाइन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी क्योंकि वो डार्क कलर के बाल होते हैं। सो मैं महविश की तरफ चल रही हूँ। आई लैश एक्सटेंशन जो कि पूरी दुनिया में बहुत आम है पर पाकिस्तान में अब आम होना शुरू हुई। ओके, इधर आऊँ मैं तुम्हारे महविश। अच्छा, अब महविश मैं इनकी दूसरी आँख दिखा दूँ, पहले ज़रा फोकस करें, ये जिस पे नहीं हुई हुई आई लैश। थोड़ा इधर करीब आएँ कैमरा मैन। आईज़ नहीं खोलना आप, आप खोलना नहीं आई, ये इनकी अपनी भी कोई बुरी नहीं है, अच्छी हैं और अच्छी होती हैं तो उस पर और प्यारी लगती हैं। लगता उस पर अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जब ये आंख कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ऐसा लगेगा ये शायद है ही नहीं, इतना डिफरेंस। अच्छा, जैसे इनकी सीधी हैं, कर्ल नहीं है। सो अब अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो किसी के तो मतलब कुदरती बाल नहीं होते ना आईलैश के, अबे वो नकली लगा रहे होते हैं, नकली जो है हर किसी से खुद से लगता भी नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, एक आँख उल्टी हो जाती सी। मतलब मैं आर्टिफिशियल लैशेस खुद नहीं लगा सकती, पूरा मेकअप कर सकती हूँ। सो अब एक तो ये हो गया, फिर ऑफिस गोइंग है या बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको थोड़ा ग्लैमर चाहिए अपने फेस पर। बिल्कुल, आईलैशेस ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक बार करवा लेते हैं एक तरह से एडिक्शन लगती है। अच्छा, और आपको मेकअप यूज बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब मुंह धोया और निकल गए, हल्की सी लिपस्टिक लगाने की जरूरत होती है, बाकी आप तैयार होते हो, बाकी और कुछ नहीं करना। और जैसे ऑफिस गोइंग जो होते हैं उनके लिए तो और ज्यादा अच्छा होता है कि डेली उठना और मस्कारा वगैरह लाइनर वगैरह लगाने से जान छूट जाती है उनकी। बस वो यही कहते हैं कि मैं भी, हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है, जब भी हम एक्सटेंशन करवाते हैं ब्लशर लगाते हैं लिपस्टिक लगाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, आप मुझे शुरू से बताओ ये आईलैश लगती कैसे, जो तुम एक्सटेंशन लगाती हो वो क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, ये हमारे पास ना फॉल्सेस ये होते हैं, ये इस तरह की पूरी इंडिविजुअल। अब आप कैमरामैन को थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा हमारे, ठीक है? ये आप जैसे ये पूरी इस तरह की ये एक स्ट्रिप है, लेकिन सारे इंडिविजुअल लैश हैं। अच्छा, तो मैं इस तरह से करके उठाती हूँ, डिपेंड करता है कि क्लाइंट। अच्छा, एक मिनट, हम थोड़ा ऐसे टर्न करते हैं कि नजर आए, ये देखें सही है, अब कैमरा मैन क्लोज बनाए, ठीक है, ओके, अब बताओ। हाँ, अच्छा, तो मैं इस तरह से फैन उठाती हूँ, ब्लू में डिप करती हूँ और फिर इनके एक लैश में, सिर्फ एक लैश खोलते हैं हम लोग, ठीक है, और जो इनकी अपनी लैश है उसके ऊपर लगता है, ओरिजिनल लैशेस के ऊपर ही लगता है। फॉर एग्जांपल कोई कीमो पेशेंट है, एलोपेशिया का मरीज है, तो उनके ऊपर हम नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि इसके लिए ओरिजिनल बाल का होना जरूरी होता है, उसी के ऊपर ही ये लाइक रुक सकता है। मतलब जिसके छोटे बाल है फिर भी चलेगा, लेकिन होना जरूरी है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो आज क्या तारीख है, आज 3 तारीख, 3 तारीख को समझो तुमने इनके लैशेस लगाए, नया सेट एक वो लगाया, तो अब ये कितने दिन तक चलेंगी ये बताओ। ये वैसे तो एक महीना पूरा लास्ट करती हैं, गिरती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा मैं लगा दे तो वो गिरेंगी नहीं। अच्छा, ऐसा ऐसा गिरती रहती हैं। देखिए, हर 2 हफ्ते में हमारी जो ओरिजिनल लैशेज होती हैं वो गिरती हैं फिर ग्रो करती हैं, तो इसमें क्या होगा, थोड़ी सी ग्रो होकर आगे आएंगी और कुछ फॉल आउट हो जाएंगी। अच्छा, जो गिर जाती है वो एक्सटेंशन को लेके गिरती है, ठीक है, और थोड़ा सा ग्रो होकर आगे आ जाती है। अच्छा, गिरने के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे सबसे ज्यादा जो मेन रीजन होता है, जो लोग बहुत ज्यादा आई क्रीम यूज करते हैं या ऑयल यूज करते हैं, ऑयल से जो हम ग्लू यूज कर रहे हैं ना उसका बॉन्ड ब्रेक करता है ऑयल। अच्छा, तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि आपने ऑयल से दूर रखना है और 24 घंटे तक गीला नहीं करना है। अच्छा, पानी और जैसे मुंह धो सकते हैं, वजू कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, बस 24 घंटे तक एहतियात है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं उसके पास। हाँ, उसके बाद जो बस दूर रखना ऑयल। अच्छा, लेकिन जिसकी ऑयली स्किन है तो उसका तो ऑयल खुद ही जनरेट, नहीं नहीं कोई मसला नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है तो स्किन पे लाइक आईलिड आपकी ऑयली हो रही है तो टिश्यू लेके साफ कर। अच्छा, जैसे किसी की छोटी आंख है वो उठा के ले आया, जी मेरी तो इस तरह की लैशेज लगा दो कर्ल वाली और ये वो, आप सजेस्ट क्या करती हो? क्या आंख देख के कोई नंबर होते हैं आई लैशेज के, ये इतनी साइज की है, लंबी है, छोटी है, कर्ल है, अलग अलग शेप होते हैं? जी, ये जो नंबर होते हैं ये 8 to 14 तक मैं अपने पास स्टॉक करती हूँ। वैसे लाइक अब्रॉड वगैरह में अगर आप देखा जाए तो 16, 17 मैं देखा है, जो बहुत लॉन्ग लॉन्ग जाते हैं, अमेरिकन है जो प्योर अमेरिकन है, जो उनको क्या कहते हैं वो, अगर मैं कहूँगी तो काले कहूँगी तो बुरा लगेगा, मेरे बच्चे भी डांटेंगे, डार्क जो बेसिक अमेरिकन है जो,
वो उन लोगों ने बहुत लंबी लंबी लगाई है। वो बेसिकली ना वो बहुत ज़्यादा रशियन लैश लगाते हैं, लाइक उन वहाँ पर ट्रेंड ऐसा है कि लॉन्ग नेल्स डॉल लुक। हाँ जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि हम ना आँख की शेप को वो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा छोटे से स्टार्ट होता है, ऐसा ऐसा बड़ा 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 जाता है। अच्छा, विंग लुक यहाँ पे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि बस पूरी पूरी भरी हुई हो। अच्छा, जैसे किसी की शादी है ना, देखो शादी पे ये वाले खर्चे जो है वो इतने बुरे नहीं लग रहे होते कि शादी है तो अब मुझे तो लैश लगानी आती नहीं, मैं क्या करूँ। अब कोई दुल्हन है उसको कितने दिन पहले आना चाहिए लैश लगवाने तुम्हारे पास? हम ये कहते हैं कि जो आप ये फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं लाइक माइयों के फंक्शन से भी एक या दो दिन पहले आप आओ ताकि आप माइयों को भी एंजॉय कर सको। उसमें मेकअप नहीं होता तो फिर एक्सटेंशन लगे हुए होते हैं तो बहुत अच्छा सटल लुक आ रहा होता है। हाँ तो अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को एलर्जी हो सकती है, जैसे मुझे शुरू में नहीं हुई बाद में हुई एलर्जी, तो मुझे खारिश होती है, तो उसका क्या इलाज है, क्या क्या कर सकते हैं उसमें? फिर ये होता है कि आप अपनी आंखों को ड्राई ना होने दें। अच्छा, लाइक जैसे आई ड्रॉप्स आते हैं सिस्टेन के, आई ड्रॉप्स आते हैं आप वो लगा सकते हैं, या अपने डॉक्टर से कोई भी ऑइंटमेंट लेके लगा सकते हैं। लेकिन ये केयर करना ज़रूरी है। हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा इसकी केयर, मतलब ये केयर मांगती है। बिल्कुल, और आपको एसी में भी रहना पड़ता है, लाइक आप बहुत गर्मी में नहीं रह सकते, जितना ज़्यादा पसीना आएगा तो उतने फॉल आउट। तो जो आउटडोर का जिनका काम है बहुत, उनको रेकमेंड नहीं करोगी तुम कि भाई ये तो धूप में? रेकमेंड तो कर सकते हैं, बस ये है कि लगा के चेक कर लें कितना होता है। उनको ना रीफिल जल्दी करवाना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 20 दिन में या 25 दिन में आओ, वो 15 दिन में आएगा रीफिल के लिए। अच्छा, सही है, ज़रा से लगा के दिखाओ, जरा हम देखेंगे क्या होता है इसका तरीक़ेकार। आँख के नीचे टेप लगा हुआ है और आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? सही है, सेट हो? सो वो वही वाली चीज़ है कि मतलब समझ नहीं आता क्या है, बहुत बारीक काम है। और आप बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सीखा हुआ है और जगह जगह खोल के बैठे हैं, लेकिन मैंने खुद सुना है, मेरे मेकअप आर्ट एरिक बता रहा था कि वो उसकी क्लाइंट गई कहीं लगवाने तो उन्होंने 4 घंटे एक आंख पे लगा दी। हाँ, बिल्कुल। तो अब थोड़ा लोगों को अवेयरनेस होने की जरूरत है कि जिसका हाथ चलता हुआ है, जिसको थोड़ी नॉलेज है, प्रैक्टिस है, उसी से लगवाएं। ये नहीं कि आपने अच्छा जी हाँ यहाँ आई लैश एक्सटेंशन लग रही है तो आपने थोड़ा सा मालूम करके जाएँ। आँख का मामला है, इस तरह गलत जगहों पे जाने से जो है बहुत नुकसान हो सकते हैं। मैं भी तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि गलत जगह से लगवाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बाकायदा देखी है गलत आई लैशेज लगी हुई और वो या गम नज़र आ रही होती है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि इधर ना ऊपर ऐसा होता है गम लगी हुई है, देखने में ही बुरी लग रही होती चीज़। देखिए आई लैशेज ऐसा काम है, एक तो बहुत ज़्यादा ना लाइक इसमें दोनों हाथ हमारे यूज़ होते हैं। अच्छा, लाइक उल्टा हाथ होता है वो एक एक लैश निकालता है और फिर एप्लीकेशन होती है क्या, और इसमें ना प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि ओ ठीक है हमने 2 दिन की ट्रेनिंग ले ली है या हमने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ले ली है और वो कहते हैं कि बस ठीक है हम तैयार हैं करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो उनको पता नहीं होता कि ग्लू हमने कितना यूज़ करना है, कितनी मिकदार में यूज़ करना है, क्योंकि इतना कम यूज़ करना पड़ता है कि आपको नज़र ना आए, लाइक आप फील भी ना कर सको। अच्छा, इस तरह से। हाँ। और जैसे वो क्या करते हैं, वो ग्लू बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनसे ना इंडिविजुअल हो नहीं रही होती, लाइक एक एक लैश निकलती ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं साथ में बेबी लैश पे चिपकाते रहते हैं, लाइक 3-3, 4-4 पे चिपकाते हैं, तो वो फिर हल्का सा नज़र आती है, नज़र आने के अलावा पेनफुल होता है, पोक करना स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग स्किन पे लगा देते हैं। अच्छा, लाइक वो सोचते हैं कि गैप आ रहा है चलो हम स्किन पे लगा देते हैं फिलहाल ये जाए, जान छूटे पैसे लें। हाँ, फिर वो पोक करती है, आईलिड हमारी स्वेल हो जाती है, कुछ लोगों का स्टाई हो जाता है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, लाइक एक टूल किसी पे हम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसी पे दोबारा कोई भी नेक्स्ट आएगा उस पे यूज़ कर लेंगे। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि पब्लिक को नहीं पता होता यार, अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो खुद अपने जब वो पैसे दे रहे हैं तो उनको सब चीज़ों का पता होना चाहिए, तो थोड़े कॉन्शियस होंगे, सवाल जवाब करेंगे तो ज़रूर।